चार से पांच तरह की मोरी तो हमने ही अपने चैनल पर बनाकर सिखाई। आज बिल्कुल एक नई मोरी मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखिए इस तरह की, ये जो भंवर कली होती है इसको डालने का एक नया तरीका है। इसके ऊपर एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, लेकिन इसको भी हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। डालने का ये फायदा है कि खूंटे से हमें बार बार नीचे झुककर नहीं खोलना पड़ता। हम यही एक गांठ लगाकर इसको बांध देंगे और खोल देंगे। तो दोस्तों ये देखने में ऐसा लगता है कि डलेगा कैसे, लेकिन बड़ी आसान वीडियो यदि आपने लास्ट तक देखी तो बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरु जी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त सुरजीत सिंह। तो दोस्तों इसके लिए हमें इस तरह की रस्सी चाहिए जिसको सिंथेटिक रस्सी हम बोलते हैं। और उसके दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें ये भंवर कली। ये हमें आसानी से हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर ये कहाँ मिलेगी, तो इसको डालकर हम मोरी कैसे बनाएंगे वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस रस्सी की लंबाई कितनी चाहिए। 5.5 मीटर की लंबाई हमें चाहिए। और 5.5 मीटर यदि आप नहीं नापते, देसी ढंग से नापते हैं, तो ये देखिए मैं इस प्रकार नाप लेता हूं जो हमारा पुराना तरीका होता था। 1, 2 ये 3, ऐसा कह सकते हैं कि ये लगभग 3 हाथ इसको हम कहेंगे, इतनी रस्सी हमें चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस रस्सी के दोनों सिरों को पकड़कर एक गांठ हम लगा देंगे यहाँ इस प्रकार से। ऐसे गांठ लगा देंगे और इसको टाइट कर देंगे पूरा। और ये गांठ लगाने के बाद देखिए इसको हम देखते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा। एक सिरा हमने गांठ से बांध दिया और दूसरा सिरा अपने आप इस प्रकार बन जाएगा। तो ये जो सिरा है इस सिरे को हम इधर छोड़ देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो गांठ हमने लगाई थी उस गांठ वाले सिरे को अपनी तरफ रख के इतनी लंबाई हम नाप लेंगे। ऐसे इसको पकड़ के नापेंगे और उसको पकड़ने के बाद ये देखिए हाथ में क्या करेंगे, हमें इस प्रकार इसको हाथ में रखकर इन दोनों उंगलियों के बीच से इधर जो रस्सी है इसको पकड़ के और इधर से खींचना शुरू करेंगे। इस साइड से, इधर वाली साइड को हम बिल्कुल भी नहीं, इसका इधर वाली साइड को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जो इधर थी इससे खींचना शुरू करेंगे और इस तरह इसको खींचेंगे। इसको खींचने के बाद अब बात आती है कि इसकी लंबाई हमें कितनी रखनी है। तो इसकी लंबाई नापने के लिए इसको हमें इस प्रकार खींचकर थोड़ा टाइट पकड़ लें और यहाँ तक नाप लें तो ये पूरी इसकी लंबाई है। छोटे बच्चे के लिए आप बना रहे हैं तो इसको कम भी रख सकते हैं और बड़े पशु के लिए इतनी लंबाई काफ़ी है। तो इसको रखने के बाद अब देखिए हमारे हाथ में इस तरह की शेप हो गई। ये इस तरह की आपको दिखाई देगी, जिस रस्सी में गांठ बांधी थी वो हमारी तरफ है, ये बीच में है और ये लंबी रस्सी साइड में रखी हुई है। इस तरह की शेप आपको दिखाई देगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो पहली हम गांठ लगाएंगे, बड़ा ही आसान तरीका है। ये जो इधर की साइड थी इस रस्सी को अंगूठे के ऊपर से ऐसे ले आएंगे और यहाँ इन दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे दबा लेंगे। और उसके बाद ये जो गांठ वाला सिरा था इसको यहाँ से ले जाकर इस अंगूठे और उंगली के बीच में दबा लेंगे ऐसे, जो हमने पिछली मोरी में भी बताया था। अब क्या करेंगे, ये जो अंगूठे के ऊपर जो रिंग बन गया इस रिंग में से ये जो यहाँ तक हमने नाप कर जो रस्सी छोड़ी थी इस रस्सी को पकड़ेंगे, इस सिरे को पकड़ के और यहाँ से निकाल देंगे ऐसे। ये निकालने के बाद अंगूठे को निकाल लेंगे और इसको यहीं हम टाइट कर देंगे। ये देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा, इसको आप तीनों साइड से पकड़ेंगे तो ये टाइट हो जाएगा और ये हमारी पहली गांठ लग जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह की शेप इसकी आ जाएगी। बिल्कुल आराम से इसको हम टाइट करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए हमारी गांठ इस तरह लग जाएगी। ये हमारी पहली गांठ लग गई जो मोरी की जरूरी है। अब दूसरी बात आती है उसके बाद, ये देखिए हम इसको दूसरी तरफ, ये देखिए इसको दूसरे तरीके से हम घुमाते हैं तो ये इस तरह की दिखाई देगी और एक साइड इसकी ये दिखाई देगी। अब बात आती है कि ये भंवर कली कहाँ डलेगी। इस भंवर कली को डालने के लिए ये जो गांठ लगाकर हमने ये जो सिरा निकाला था, ये गांठ वाला सिरा तो इधर रह गया, ये जो बीच में से सिरा जो हमने यहाँ नापा था इस सिरे में इसको हम डाल देंगे। ये बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगी बात, आपको ऐसे इसको डाल के छोड़ देंगे। किसी भाई को कोई भी शक नहीं रहना चाहिए। ये इस तरह की शेप इसकी दिखाई देगी, इसमें डालकर इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, तो दोस्तों ये जो सिरा था
छोटा सिरा जिसमें हमने भंवर कली डाली थी, और इन दोनों सिरों को हम ऐसे पकड़ लेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद अपने हाथ में ऐसे रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीका है। ये जो छोटा सिरा है इसके ऊपर से हम इस बड़े वाले सिरे को ऐसे रखेंगे, ऐसे करके, और यहाँ से यहाँ ये राउंड बनाकर इसको इधर घुमा के लेके आएंगे यूं। ये देखिए ऐसे बिल्कुल साधारण तरीके से हमने इसको घुमा दिया। अब जो ये सिरा है, पहला जो सिरा था इधर सबसे आखिरी में जो सिरा है, इसमें से एक राउंड ऐसे हम बनाएंगे, ये देखिए, और इसको भी यहाँ हम लेंगे और इसमें उंगली डाल लेंगे अपनी ऐसे दोनों में। ये डालने के बाद बस बात खत्म हुई। अब ये जो लंबा सिरा था, ये जो लंबा सिरा बच गया, इस सिरे को इन दोनों के बीच से ऐसे निकाल लेंगे, और ऐसे निकाल कर इसको वापस, ये देखिए बाहर की तरफ से इन उंगलियों के बीच से जो सिरा हमने, ये राउंड जो हमने बनाया था, इसके अंदर से डालकर इसको खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे। बात खत्म हुई। अब धीरे धीरे उंगलियों को निकाल लेंगे और इसको हम टाइट कर देंगे, तो ये हमारी दूसरी गांठ लग गई। ये देखिए ऐसे करके इसको बराबर आप खींचेंगे, तीनों तरफ से बराबर खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए हमारी ये गांठ लग गई और ये हमारी मोहरी बनकर तैयार हो गई। अब जो बात आती कि किसी भाई की ये एक ढिल्ली रह सकती, ये ढिल्ली रह सकती, तो इसको बिना विचलित हुए आप इसका ये देखें कि किधर से इसका राउंड है, तो उधर से इसको आप टाइट कर लेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए ये टाइट हो गया। तो इस प्रकार आप बड़े आसानी से अपने घर पर अपनी पसंद की मोहरी अपने पशु के लिए बना सकते हैं। ये देखिए ये, अब इसमें जो गड़बड़ की बात है वह यह है कि एक गांठ इसमें से गलत लगेगी, जिससे भी गलती होगी, तो वो गलती क्या होगी कि ये गांठ ऐसे आनी चाहिए। अब इसको हम पहनाएंगे कैसे, अब ये देखिए, ये मैं घुमाकर आपको दिखाता हूँ। ये गांठ जो आपको दिखाई दे रही ऊपर की तरफ रहेगी और ये भी ऊपर की तरफ रहेगी। ये देखिए जो तरीका है, ये सही तरीका है। ये इधर का हिस्सा ये अंदर की तरफ जाएगा पशु की नाक पर जो नहीं गड़े, और ये दोनों रस्सियाँ बराबर रहेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप देखेंगे कि ये बड़ी शानदार मोहरी हमारी बन गई है, और ये भंवर कली इसके अंदर हमने डाल दी है। अब इसको पशु को बांध कर आपको एक बार और दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये उसके मुंह में डल जाएगा और ये दोनों रस्सियाँ पीछे गर्दन पर चली जाएंगी, और यहाँ पर हम नीचे एक रस्सी बांध कर खूंटे में इसको बांध देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको आपको एक बार पहनाकर भी मैं दिखा देता हूँ कि इसका कैसे हमें फ़ायदा मिलेगा। पहनाना बिल्कुल आसान है। इस तरह से हम रख के ऐसे करके पशु की गर्दन में इसको पहना देंगे, और यहाँ से हम इसको बांध देंगे। डेमो के लिए मैं इसको ढीला ही बांध रहा हूँ, और ये देखिए नीचे आपको दिखाई दे जाएगा, ये इस तरह की शेप इसकी आ जाएगी। यहाँ हम रस्सी बांध कर नीचे खूंटे से बांधेंगे, तो ये जब भी पशु को खोलना हो तो यहीं से खोल दिया जाएगा, और ये इसको परमानेंट हम बांध कर छोड़ सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे भी हम इसी तरह की कोई और मोहरी या कुछ और बनाने का तरीका हमें पता चला तो वो भी आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर बना कर देंगे। यदि आपको मोहरी बनाने का तरीका पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें, उसके बाद ऑल लिखाएगा उसको प्रेस कर लें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय जवान। जय किसान।